नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोली की न्यूज देख रहे हैं। देखिए, आज एक खेल कबड्डी जो कि है यहाँ पर बहुत कम देखा जाता है, लेकिन आज कुछ लोगों के सहयोग से और तमाम जो लोग आए हैं इन लोगों के सहयोग से आज कबड्डी का यहाँ पर टूर्नामेंट कराया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि यह पहला सीजन है यहाँ पर और इस तरह से लगातार अब हर वर्ष कबड्डी खेला जाएगा और खिलाया जाएगा। यहाँ पर तमाम लड़के और लड़कियों का टूर्नामेंट होने वाला है और आज का जो मैच है दो टीमों के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा मार्गदर्शन एकेडमी जो कि है दलपतपुर में और दूसरी टीम जो है मसरक की टीम है जो कि पहला मुकाबला बॉयज का है। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं जो कि इस खेल को प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों से सबसे पहले सुप्रिया मैम महाराजगंज से सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कबड्डी जो कि बहुत कम देखा जा रहा है, पहले सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर कबड्डी ही देखा जा रहा था, आज विलुप्त होता जा रहा है, आप लोग सहयोग करके इसको करा रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य यही है कि ये हमारे कैसे कह सकते हैं, विलुप्त तो हुआ है बट ये हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया गेम है। इसे हम गांव-गांव में खेलते हैं। मेरा बचपन मुझे याद है कि हम थोड़ा भी जगह मिलता था हम उसमें अपने कबड्डी के कार्यक्रम को बीच में लाइन पाड़े और बस खेलना शुरू कर देते, तो वो क्रेज़ बचपन से है, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया था। कोशिश यही है कि फिर से उसे जारी किया जाए और जो भी बच्चे और बच्चियाँ उसमें जागरूक हैं, खेलना चाहते हैं, वो आगे आएँ, सामने आएँ और अपना समय दें और अपना प्रयास करें और वो विश्वास है अच्छा करेंगे। और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ टीम जो खड़ी है उसमें लड़कियों की टीम ज़्यादा है, दो टीम लड़कियों की, एक टीम लड़के की है, तो ये दर्शाता है कि काम तो हो रहा है, बस ऐसे ही कोशिश की ज़रूरत है, आगे ज़रूर जाएंगे बच्चे। पहले जो माता पिता होते थे अपने बच्चों को खेल में भी भेजते थे, जाओ खेलो फिट रहोगे, आजकल के बच्चे मोबाइल में घुस जा रहे हैं और खेल के प्रति बहुत कम देखा जा रहा है उनका, लेकिन देखने वालों की संख्या अगर देखिएगा तो बहुत है, देखने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन आखिर क्यों बच्चे खेलना नहीं चाह रहे और माता पिता भी अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, आखिर कारण क्या है? ये इन्वायरमेंट और कहेंगे कि आजकल हमारा ट्रेडिशन ही चेंज हो चुका है, बच्चे मोबाइल की तरफ, मोबाइल अगर हम किसी भी चीज़ की दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, तो बच्चे कभी भी हम देखते हैं कि बुरी लत जो होती है वो बहुत जल्दी लगती है, तो बच्चों को बस अच्छे गाइड की ज़रूरत है कि मोबाइल जैसे आप गलत मोबाइल गेम खेल के वेस्ट कर रहे हैं अपना समय, उसकी जगह अगर आप कुछ नॉलेजफुल अगर काम उस पर अपना कुछ ज्ञान वाली चीज़ें देखते हैं तो आपको उससे बेनिफिट होगा अपने लाइफ में भी और अपने डे टू डे लाइफ में भी। जैसे कि गेम की बात करें तो गेम अगर बच्चे गेम देखेंगे खेलने के बजाय, जैसे कबड्डी का गेम टीवी में बैठ के देखना, फुटबॉल का गेम देखना, क्रिकेट, जैसे क्रिकेट का इतना क्रेज़ क्यों है, बस यही कारण है कि उसे हम गली गली खेल रहे हैं, वैसे ही ज़रूरत है कबड्डी को गली गली खिलाने की, गली गली बच्चों के अंदर जागरूक। आप देख सकते हैं दर्शकों की इतनी भीड़ है, तो ये क्यों भीड़ है, क्योंकि उन्हें मौका मिला है, तो ये मौका ही नहीं दिया जा रहा है। तो मैं आजकल के माता पिता से यही आग्रह करूँगी कि आप अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दें और उन्हें एक अच्छी परवरिश तो दे ही रहे हैं, साथ ही उन्हें मोबाइल के अच्छे इस्तेमाल के बारे में बताएँ और थोड़ा मोबाइल से दूर रख के फिजिकल एक्टिविटी पे, आउटडोर गेम पे ज़्यादा फोकस करें, तो मुझे लगता है कि बच्चे अपने लाइफ में ज्यादा अच्छे से उभरेंगे। हमारे क्षेत्र में आए इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आप। देखिए, न्यू डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं गौतम सर, जिन्होंने बचपन से हम लोगों ने जब पढ़ाई करना शुरू किया था हम लोगों ने, तब से ही खेल के प्रति सर बहुत ज्यादा समर्थन करते रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, शुरुआत से आप खेल के प्रति इतने जागरूक हैं और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलने की भी सीख देते हैं कि खेलना चाहिए और समर्थन भी आपका दिख रहा है, हर जगह दिखता है, क्या कहिएगा तमाम गांव के बच्चों को? सबसे पहले तो मैं उन लोगों को धन्यवाद जो दूंगा जो कबड्डी का आयोजन कराए, क्योंकि देहात क्षेत्र में कबड्डी होता नहीं है और खेल तो विलुप्त ही हो रहा है, किसी खेल की तरफ रुचि नहीं हो रहा है बच्चों को, तो अगर ये कबड्डी का आयोजन हो रहा है तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और हमारा तो प्रयास शुरू से ही रहा है खेल के तरफ, पढ़ाई के साथ साथ खेल, पढ़ना उसी बच्चों को अच्छा लगता है जो साथ में खेलता है, तो खेल खेल में पढ़ाई होता है, वो बहुत ही विकास होता है। और हम लोग शुरू से कबड्डी खेले हुए हैं, आजकल ही विलुप्त के कगार पर है हमारे देहात क्षेत्रों में, शहरों में होता होगा लेकिन देहात में बिल्कुल नहीं हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है तो हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इसमें जो हमसे सहयोग हुआ वो हम करेंगे। यहाँ के जो लोकल के माता पिता जिनके देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे पहले तो खेलने नहीं जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे अगर जाना चाहते हैं उनका घर का समर्थन नहीं मिल पाता, सपोर्ट, जिसकी वजह से पैर पीछे खींच लेते हैं, उन माता पिताओं से क्या संदेश? मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को उस दिशा में भेजें जिस दिशा में बच्चे का च्वाइस हो। आजकल हम देख रहे हैं कि खेल में कम रुचि है और मोबाइल में ज़्यादा है,
तो अपने माता पिता को, अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि मोबाइल से कुछ नहीं होगा, अगर खेलना है तो कबड्डी खेले, फुटबॉल खेले, इससे शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है और मूड फ्रेश रहता है और पढ़ाई में भी मन लगता है। थैंक यू सो मच। और भी कुछ लोग हैं, मुन्ना सर हैं, सर लगातार आप समर्थन करते रहे हैं, क्या कहिएगा तमाम इन युवाओं को? सर हम तो लगातार जो है इस प्रयास में लगे हुए हैं कि लोग कबड्डी से जुड़े, बच्चे कबड्डी से जुड़े, चूँकि अपनी मिट्टी का गेम है और इतना बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी विशेष खर्च के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को फिजिकली मजबूत बनाने के लिए इससे बढ़िया कोई गेम हमें नहीं दिख रहा है। थैंक यू सो मच। देखिए खेल आज पहला दिन है और ऐसे आप लोग बने रहेगा, हो सकता है फाइनल मुकाबले में हम लोग लाइव भी करेंगे यहाँ से, और जितने लोगों तक यह वीडियो जा रही है आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि अपना समर्थन यहाँ आकर के देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।